भी जो है नगर निगम के कर्मचारी मौजूद है। आपको बता दूं कि आज कोई समस्या नहीं है, ये सभी लोग जो है नगर निगम आयुक्त यशपाल यादव जी को बधाई देने आए थे और साथ ही कुछ समस्याएं थी जो उन्होंने उनके सामने रखी। आइए बात करते हैं बलवीर बालगुरे जी से। सर, आज आप मिले हैं हमारे नवनियुक्त कमिश्नर जी से, क्या समस्याएं रखी हैं? आज हमने नगर निगम के आयुक्त हमारे यहाँ लगे हैं, आदरणीय हमारे डीसी साहब रहे फरीदाबाद के, आज वो हमारे निगम के आयुक्त बने हैं यशपाल यादव जी। आज उनका हमने यहाँ पर बुक्का देकर उनका वेलकम किया है, उनका स्वागत किया है कि हमें नगर निगम का, हमारा दुर्भाग्य था कि अब तक यहाँ पर अतिरिक्त चार्ज ज़्यादा रहे कमिश्नरों के पास। अब हमारे साहब कम से कम यहाँ पर रहेंगे एक दो साल के लिए, तो हमारे कर्मचारियों की जो समस्या है उसका समाधान होगा। हमने स्वागत के साथ साथ हमने अपना सामान के बारे में उनसे कहा है कि हमें सफाई कर्मचारियों को एक तो झाड़ू चाहिए, हमें रिक्शे चाहिए, रेहड़ी चाहिए, जिससे कि सफाई कर्मचारी अपना काम सही तरीके से, बेहतर तरीके से कर सके, क्योंकि बरसात के बाद गंदगी ज़्यादा होती है शहर में, पन्नी वगैरह, कागज़ वगैरह इधर उधर से नाले उसे बाहर आते हैं। तो साहब ने हमें आश्वासन दिया कि आपका बहुत जल्द मैं सामान उपलब्ध करा दूंगा, इतनी बात हुई है मुझे पास। नरेश शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आज आप क्या समस्याएं रखी, क्या कुछ हुआ? आज जो हमारे नवनियुक्त कमिश्नर हैं उनसे औपचारिक मुलाकात के लिए हम गए और उस मुलाकात में हमारी नगर निगम की समस्याओं पर और शहर को कैसे साफ सुथरा सुंदर बनाया जाए, इन दोनों विषय पर बातचीत हुई है, चर्चा हुई है। तो हमने निगम आयुक्त को ये विश्वास दिलाया है कि शहर की जो सफाई व्यवस्था है और जो जनता को सुविधाएं देने का हमारा काम है, चाहे वो सीवर है, स्ट्रीट लाइट है, चाहे आप बागवानी का काम है, चाहे वो अन्य जन सुविधाएं हैं, पीने के पानी की सुविधा देने की बात है, तो हमने उसको बेहतर बनाने के लिए विश्वास निगम आयुक्त को दिलाया है। और निगम आयुक्त ने भी जो कर्मचारियों की समस्याएं हैं उनको रिजॉल्व करने का पूरा विश्वास दिलाया है और हमें ये उम्मीद है कि मिलकर के काम किया जाएगा तो शहर की जो हालात है, शहर के अंदर जो आज व्यवस्था बिगड़ी है वो व्यवस्था में सुधार आएगा। लेकिन एक बात हम ये भी कहना चाहते हैं कि सरकार बार बार निगम कमिश्नरों के तबादले कर देती है। दरअसल जो अधिकारी नगर निगम में काम करना चाहता है और यहाँ के चाहे वो आर्थिक हालात हो, चाहे वो जनता को सुविधा देने के बात हो, तब तक अधिकारी यहाँ के हालातों को समझ पाता है तब तक उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो फरीदाबाद की जो दुर्दशा है उसके लिए कहीं तक सरकार की ये पॉलिसी जिम्मेदार है। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि फरीदाबाद के हालात सुधरने चाहिए तो यहाँ लंबे समय के लिए अधिकारी नियुक्त करना पड़ेगा और उससे जो है यहाँ के जो हालात है उनको सुधारने के लिए उसे काम करने का मौका देना पड़ेगा, ये हम मांग करते हैं। और मैं अपनी बात को दोबारा से दोहराते हुए ये आपके सामने वायदा करता हूँ कि यहाँ शहर की जनता को नगर निगम के कर्मचारी बेहतर व्यवस्था देंगे और जो जन सुविधाएँ हैं उनमें सुधार। बिल्कुल जैसे अभी पीछे हमारे सफाई कर्मचारियों के पास में जो सफाई करने के औजार हैं वो नहीं हैं, चाहे वो झाड़ू है, कोलची है, कस्सी है, रेहड़ी हैं, रिक्शा हैं। पीछे भी जो यहाँ पर निगम आयुक्त थी उनसे बातचीत हुई थी और उन्होंने देने का वायदा किया था, लेकिन अब उनका ट्रांसफ़र हो गया। तो आज हमने निगम आयुक्त जो नवनियुक्त हैं उनसे बातचीत की है, उन्होंने कहा है कि मैं सामान आपको उपलब्ध कराऊंगा। जहाँ तक वेतन का सवाल है और वीट एडवांस का सवाल है तो उन्होंने फाइनेंस जो अधिकारी है उसको कह दिया है कि हर हालत में, हर सूरत में इनको इनकी तनख्वाह और वीट एडवांस वगैरह जो भी कर्मचारियों की समस्याएं हैं आर्थिक तौर पर जो की जानी है उनको निवारण करेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि नगर निगम की जो हालात हैं वो आर्थिक तौर पर कमज़ोर है तो उसको सुधारने के भी हम प्रयास करेंगे और जैसे जैसे सुधरते जाएंगे वैसे वैसे कर्मचारियों की आर्थिक मांगें भी पूरी होती जाएंगी। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।